भाजपा सरकार ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त का भले ही ढिंढोरा पीट पीट कर जनता को बताने में जुटी है कि उनके कार्यकाल में रामराज शुरू हो गया है, लेकिन इसी सरकार के अफसर सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज जहां राजस्व विभाग के दो लोगों को विजिलेंस ने रिश्वत लेते धर दबोचा, वहीं एक अफसर को भी समिति की बैठक में सस्पेंड कर जांच के आदेश जारी कर दिए। पूरा मामला आपको समझाते हैं। गांव सुताना में दो भाइयों के बीच में लेन देन के झगड़े के केस में पानीपत जिला राजस्व अधिकारी की कोर्ट में चल रहा था। रिश्वतखोर रीडर व कंप्यूटर ऑपरेटर शिकायतकर्ता को डेट के दौरान रिश्वत देने के लिए तंग करते थे। पीड़ित की शिकायत पर जिला प्रशासन से परमिशन से टीम का गठन किया गया। जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वतखोर कर्मचारियों को 1700 रुपए दिए तो इन्हें रंगे हाथों काबू कर लिया। शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने बताया कि हर तारीख पर दोनों पैसे की डिमांड करते थे, वहीं वह 5-6 हजार रुपए रिश्वतखोरों को दे चुका था। मेरा केस चल रहा था जी, हमारा आपस में घर का झगड़ा था जी, उसमें हमारे चलान हो रहे थे, तो उसमें जी हर बार तारीख देने के वजह मेरे से पैसे मांगते थे जी, परेशान करते थे मेरे को, पैसे ना मिलते थे तो पूरा दिन बिठा कर रखते थे जी। कितने पैसों की डिमांड है? हर बार जी 500-700 जी, कई बार केस खत्म करने के लिए 1700 रुपए मंगाए थे जी, 1500 एक को देने थे, 200 लिए थे जी। कौन लोग हैं जो पैसे मांगते? DRO के रीडर और कंप्यूटर ऑपरेटर है सर। एक सुरेंद्र गांव सुताना से कंप्लेनेंट थे, आए थे, उनका कोई आपस में भाइयों का झगड़ा हुआ था, जिसकी जो 107 क्या उनकी जो तारीखें थी वो DRO कोर्ट में लगती थी और उसकी आज भी तारीख लगी हुई थी। तो वो जो DRO रीडर और जो उसके कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो उससे बार बार जो है ना जब भी तारीख पे आता था पैसों की डिमांड करते थे और ये कहता था जो शिकायत करता है कि वो आपका केस रफा दफा कर देंगे, लेकिन हर बार जो है ना वो परेशान करते रहते थे। तो उसकी शिकायत पर फिर हमने अपनी टीम तैयार करी और हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाए श्री जसविंदर सिंह बांगड़ और सेट ड्यूटनेस और टीम तैयार करके हमने वहाँ रेड की, जिसमें जो है दीपक ऑपरेटर ने जो है ना 1500 रुपये और जगवीर रेडर ने 200 रुपये उस रिश्वत के लिए, और हमने वहाँ पर उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला भी आप समझ लीजिए। समिति की बैठक आज स्वास्थ्य मंत्री व कष्ट निवारण समिति अनिल विज पहुंचे। बैठक में बलबीर निवासी भैंसवाल अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। बलबीर ने जो शिकायत दी उसमें लिखा था कि विजय जैन व हेमंत जैन मालिक वर्धमान फैक्ट्री निवासी गांव भैंसवाल पानीपत में फैक्ट्री के मालिक हैं। इनकी फैक्ट्री में से केमिकल युक्त पानी निकलता है जो सीधा उसके खेत में पहुँचता है, जिस कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। जनता के लिए किसके लिए ये कहा जाएंगे? ये लोग थोड़ी सी जमीन है उसमें उसका सारा पानी आ जाता है। इसकी जांच करवाओ जी ADC से सारी। और वो इंडस्ट्री वहां कैसे बनी, किसने उसको एजेंसी दिया, कब हुआ, क्या हुआ सारा, और पानी का क्यों नहीं उसने आज तक PTP लगाया? ADC साहब करो इसको पूरी तरह से ठीक। विज ने जैसे ही गरीब की शिकायत सुनी तो तुरंत जांच के आदेश जारी कर प्रदूषण विभाग के RO को सस्पेंड करने का आदेश भी जारी कर दिया।
हमारे पास वही आते हैं जो सब तरफ से निराश हो चुके होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सख्त एक्शन लेते हैं कि सब जगह से घूमने के बाद हमारे पास आते हैं लोग। कहीं से भी आए, मैं सरकार का मंत्री हूँ, प्रदेश के किसी भी हिस्से से लोग आते हैं, सब तरफ से आते हैं और सबकी बात सुनते हैं। नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या थे वो आरओ हैं और उन्होंने गलत रिपोर्ट हमें दी और कार्रवाई नहीं की है, उसके उनको सस्पेंड भी किया है और जांच करने के लिए भी कहा है। हमने उनकी जो हड़ताल है वो बिल्कुल बेवजह है, हमने उनकी सारी मांगे मान ली हुई हैं, मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया हुआ है, मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट में गया हुआ है और सब जानते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में थोड़ा समय लगता है। उनको बताया गया है कि हड़ताल आप मत करें, आजकल डेंगू का मलेरिया का सीजन है, और लेकिन उन्होंने हड़ताल की है इसलिए हमने एस्मा लगा दिया। उनको कहा है कि आज शाम तक वो सब अपनी अपनी ड्यूटियां ज्वाइन करें, जो ज्वाइन नहीं करेंगे कल सुबह से उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। फिलहाल इस मामले में तो अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसा कई अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की रिपोर्ट।